नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनिमल्स के बारे में। दोस्तों, हम सभी को पता है कि हमारी पृथ्वी में कई तरह के क्या पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा वैरायटी है उनकी, और ये क्या होते हैं, हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होते हैं, हम मनुष्यों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं, है ना। तो और स्टार्टिंग से ही, मतलब जब मानव जीवन की शुरुआत हुई थी, तभी से जंतुओं की बहुत ज़्यादा महत्व रहा है, जंतुओं का बहुत ज़्यादा महत्व रहा है, ठीक है। और जिस तरह से मनुष्य को एक अच्छे आवास की ज़रूरत होती है, भोजन की ज़रूरत होती है, जल की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से ये सारी चीज़ें एनिमल्स के लिए भी क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, ठीक है। और इसी तरह से बहुत सारे पेट एनिमल्स होते हैं, पालतू जानवर होते हैं, जिनको कि मनुष्य पालते हैं, और उनके बहुत ज़्यादा उपयोग भी होते हैं हमारे जीवन में, ठीक है। तो ये बात हो गई एनिमल्स की, जो जस्ट हम बोल सकते हैं कि इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं उनके हैबिटेट की, ठीक है। तो जंतु जो होंगे वो कैसे स्थान को पसंद करेंगे, ऐसा स्थान पसंद करेंगे जो उनके अकॉर्डिंग हो, उनके अनुकूल हो, जहाँ पर वो अडॉप्ट कर सकें, जहाँ पर उनकी खाद्य सामग्री हो, है ना, वो उनको आसानी से मिले, तभी तो वो जीवित रहेंगे और वहाँ पे कंफर्टेबल फील करेंगे, है ना। तो हम कैसे उनको डिवाइड कर सकते हैं कि हमारे जो पृथ्वी जो है हमारी, उसमें कई तरह के जंतु पाए जाते हैं। कुछ क्या होते हैं, कुछ जो होते हैं वो जल में रहते हैं, जैसे जल में किस कौन कौन रहते हैं, जैसे फिश हो गया, ऑक्टोपस हो गया, बहुत सारे जीव होते हैं जो किस में रहते हैं, जल में रहते हैं, ठीक है। और कुछ कहाँ रहते हैं, स्थल में रहते हैं, है ना। जैसे कि हम किसकी बात कर सकते हैं, जो स्तनपाई वगैरह होते हैं, मैमल्स होते हैं, है ना। और क्या बोल सकते हैं, पक्षी वगैरह होते हैं, तो ये सारे किस में रहते हैं, स्थल में रहते हैं। और अगर हम बात करें, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो उभयचर होते हैं, मतलब जो दोनों में रहते हैं, मतलब जो जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं, तो उनको हम उभयचर कहते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं। जैसे कि मेंढक, फ्रॉग वगैरह, फ्रॉग जो होता है वो एम्फीबियंस में आता है, सेलामेंडर हो गया, ये सारे किस में आते हैं, एम्फीबियंस में आते हैं, ठीक है। तो जो फ्रॉग और सेलामेंडर हो गए, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, उभयचर होते हैं, मतलब ये जल में भी रह सकते हैं, स्थल में भी रह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने एनिमल्स और उनके हैबिटेट के बारे में कर लिया, और अब हम देखेंगे कि उनको, उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। और अगर आगे भी आप मेरे वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ साइड की बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।